क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ आपकी पूरी जिंदगी में साथ देने के लिए ऐसे दोस्त हो जो कि आपके पूरी जिंदगी में आपके साथ चले? आपको जो भी चाहिए, आप अगर वेल्थ चाहिए या फाइनेंसेस चाहिए या रिश्तों में आपके साथ चाहिए या आपके जो स्पिरिचुअल पाथ में आपको एक क्लैरिटी एक पर्पस के साथ आपके साथ आगे बढ़े, तो आज ये एपिसोड में मैं परिपत्री आपको आपके ही उस साथी से मिलवाना चाहती हूँ। तो वो साथी कौन है? वो है क्रिस्टल्स। आज हम इस एपिसोड में क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे, उसके हिस्ट्री और वो कैसे, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी साइंस क्या है, उसके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके पहले मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैं परिपत्री, मैं US में रहती हूँ, मैरीलैंड में रहती हूँ। मैं बचपन से ही एक मेडिटेशन टीचर हूँ, मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ, आनापानासती मेडिटेशन। और मैं क्रिस्टल से बहुत ही अट्रैक्टेड थी बचपन से ही। पिछले 12 साल से लगभग क्रिस्टल्स के साथ काम कर रही हूँ और आज मैं एक क्रिस्टल एक्सपर्ट हूँ और एक क्वांटम क्रिस्टल प्रैक्टिशनर कोर्स मैंने क्रिएट किया, जो कि मैं एनर्जी वर्कर्स, जो वेलनेस प्रैक्टिशनर्स होते हैं, कोचेस, मेडिटेशन टीचर्स, उनको मैं सर्टिफाई करती हूँ एज अ क्रिस्टल प्रैक्टिशनर। तो चलिए आज मैं आपके साथ जो थोड़ा बहुत क्रिस्टल्स के बारे में आपको साइंस शेयर करूँगी, आप डरिए मत, इसको मैं बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपके साथ शेयर करूँगी। फाइनली हम ऐसे वक्त में हम साथ रह रहे हैं जहाँ पे लोग जागरूक हो रहे हैं, इतनी अवेयरनेस बढ़ चुकी है कि आज आप और मैं क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिस्टल्स के कॉम्पोनेंट के एटम्स जो होते हैं एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं, उसका सरफेस का जो प्रेसिशन होता है, जैसे कि ये उसका सरफेस का जो प्रेसिशन होता है वो उसके भीतर की सिमेट्री को रिफ्लेक्ट करता है। क्रिस्टल्स हमारे इस धरती पर, हमारे इस अर्थ पर एक हाई वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए कई सारे एसेंडेड मास्टर्स, हायर डेंसिटी बीइंग्स, एंजल्स कहो उनको आप, मिनरल किंगडम, सारे जो सब मिलके इसको इधर धरती पर इंस्टॉल किया गया था। और इसमें क्लियर क्वार्ट्ज को मास्टर हीलर कहा जाता है। ये जो है क्लियर क्वार्ट्ज आप देख रहे हो, ये एक पिरामिड शेप में है और इनफैक्ट यहाँ पे भी कई सारे पिरामिड्स हैं। क्रिस्टल्स आजकल हम बहुत इसके बारे में चर्चा हो रहा है, हम कहीं पर भी कोई भी स्पिरिचुअल जगह स्टोर या कोई भी स्पिरिचुअल इवेंट में क्रिस्टल्स की बात डेफिनेटली होती है। इसका मतलब क्या है? क्रिस्टल्स अभी हम देख रहे हैं क्या, अभी इसका डिस्कवरी हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्रिस्टल्स एक ऐसे डिवाइन मास्टर्स है, एक ऐसे डिवाइन बीइंग्स है जो कि हमारे एंशियंट ज़माने से हमारे साथ है। और एंशियंट ज़माने से सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, कई डिफरेंट सिविलाइजेशंस में वो पाए गए, डिस्कवर किए गए। जैसे कि चाइना में जेड बहुत सेक्रेट माना जाता है, वो कई रिचुअल्स, कई सेरेमनीज और चैनलिंग मेडिटेशन में इनफैक्ट ब्यूटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट में लैपिस लजूली एक ऐसा क्रिस्टल, एक बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल जो कि बहुत इस्तेमाल किया गया था। आप अगर पिक्चर्स देखेंगे इजिप्ट का तो आपको डेफिनेटली वो दिखाई देगा। वैसे ही क्रिस्टियनिटी में भी एक एरन्स ब्रेस्टप्लेट जैसा वो प्रीस जो पहनता है उसमें क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये क्रिस्टल्स जो है सिर्फ भारत के लिए नहीं है, कई पूरे जग में, पूरे डिफरेंट सिविलाइजेशंस में इस्तेमाल किए गए। अब देखिए, मैं जो हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ लेने में मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसका साइंस क्या है, ये कैसे ये काम करता है, ये जानने में मेरी बहुत इंटरेस्ट है। तो इसका रिसर्च मैंने जब शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो है प्राचीन काल में जब जहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, कोई कहीं पे भी ट्रेडिंग नहीं चल रहा है, कोई ट्रैवल भी नहीं कर रहा, जहाँ पे एक जहाज़ या एक
शिप भी डिस्कवर इनोवेट नहीं किया गया, तब की बात है, तभी भी सभी जगह में एक क्लियर क्वार्ट्ज मास्टर हीलर की तरह इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट इसको मैं और प्राचीन एक अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताऊं, अगर मैं अटलांटियन और लेम्यूरियन सिविलाइजेशंस के बारे में बात करूं तो वो टाइम एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन है, मतलब स्पिरिचुअली हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था, और वहाँ पे बहुत सारे हम चैनलिंग के थ्रू, बुक्स के थ्रू हमको ये इन्फॉर्मेशन पता चला है कि वहाँ पे क्रिस्टल्स चैनलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, इनफैक्ट हीलिंग पर्पसेस के लिए काफ़ी उसका प्रयोग किया गया था। अभी मॉडर्न जमाने में भी क्रिस्टल्स यूज किए गए, एस्पेशली जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, लेजर इमेजिंग में क्रिस्टल्स यूज किए गए, आपके वॉचेस में जो है प्रेसिशन के लिए, एक प्रिसाइज टाइम आपको दिखाने के लिए क्रिस्टल्स यूज किए गए, सिलिकॉन चिप्स में क्रिस्टल्स है। तो आज के जमाने में भी, मॉडर्न जमाने में भी क्रिस्टल्स काफी प्रयोग में है। ये जो है इसके शुरुआत हुआ है एक क्यूरी फैमिली, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इनका जो पावर इन्होंने डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? देखिए, एक लॉ है फिजिक्स का, अब मैं थोड़ा फिजिक्स के बारे में बात करूंगी क्योंकि ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको ये क्रिस्टल समझने के लिए। वो लॉ क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड या ट्रांसम्यूटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब क्या है? ये जो एनर्जी होता है आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते या इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, वैसा हम ट्रांसफॉर्म या ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, ये क्रिस्टल को, इसको इलेक्ट्रो से, एक बड़ा क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इलेक्ट्रो से कनेक्ट करके लिटरली एक हैमर लेके उसको उसके ऊपर मारे, और वो जो प्रेशर के साथ, वो जो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के उसमें वोल्टेज क्रिएट हुआ था। मतलब ये जो क्रिस्टल्स है ये वोल्टेज क्रिएटर्स है ये। और वोल्टेज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे अंदर जितना हाई वोल्टेज है उतना अच्छा है हमारे लिए, हम हेल्दी होते हैं। जैसे कि सारे जो होलिस्टिक हीलिंग मोडालिटीज़ है, जैसे होम्योपैथी या आयुर्वेदा, जो भी आप लेते हैं, वो सारे जो चीज़ें आपकी वोल्टेज बढ़ा रहा है, जितना हाई वोल्टेज है उतना अच्छा है हमारे लिए। वैसे ही क्रिस्टल्स भी हमारे वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो ये एक पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट जो है, क्रिस्टल्स के अंदर ये बहुत ही एक डेफिनेट प्रिसाइज पैटर्न से ग्रो होता है, वो कहीं भी हो, चाहे वो धरती के अंदर हो, चाहे वो धरती के बाहर हो, चाहे वो चाइना में हो या इंडिया में हो या अलास्का में हो, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर हो, इसका जो फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका जो वो पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है। मतलब इस, ये जो है क्वार्ट्ज, इस ये है, इसका कॉम्पोनेंट्स है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, कभी ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है कभी चेंज नहीं होता है, यही है इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी, जो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई हम लोग डिवाइन मास्टर्स बोल रहे हैं, इसका जो सीक्रेट है वो है ये डेफिनेट पैटर्न। ओके, तो अभी हम और जानेंगे ये जो डेफिनेट पैटर्न है, ये जो हाई वोल्टेज क्रिएट जो करता है, ये हमारे लिए, हमारे जो ये जो हम जो भी चाहते हैं, मैं कैसे हमारे साथ देगा, ये कैसे टेक्नोलॉजी क्या है, ये साइंस क्या है? अभी तक हम सोचते आए हैं कि ये मेडिटेशन में हम यूज़ करते हैं, ये बहुत ही ये नेगेटिविटी को रोकता है, ये बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। पर आज मैं आपको इसका सही मायने से, इसका साइंस क्या है, ये सही तरीके से कैसे
हमारी जो नेगेटिव आसपास की जो नेगेटिविटी है कैसे ये पॉजिटिविटी में बदलता है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए पहले मुझे आपको लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट के बारे में आपसे शेयर करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट एक फिजिक्स लॉ है, ये जो कि ये हमारे साइंस क्लासेस में हम सीखते हैं। क्या है, अगर आप दो ट्यूनिंग फोक्स लिए दो ट्यूनिंग फोक्स एक ही फ्रीक्वेंसी के, आप दो ट्यूनिंग फोक्स 540 या 540 फ्रीक्वेंसी लिए, एक हॉलो बॉक्स पे के ऊपर रखेंगे, एक वुडन बॉक्स के ऊपर, तो एक ट्यूनिंग फोक को आप वाइब्रेट करेंगे, उसको मारेंगे, तो विद इन टाइम दूसरा जो ट्यूनिंग फोक है अपने आप वो वाइब्रेट होने लगता है। इसको हम लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट कहते हैं या लॉ ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं। मतलब अगर दो चीज़ें एक फ्रीक्वेंसी में हैं तो अगर आप इसको आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो दूसरा अपने आप एक्टिवेट होने लगेगा विद इन टाइम। दूसरा जो एग्जाम्पल है लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट का, आप अगर देखेंगे ग्रैंडफादर क्लॉक्स जो होते हैं हमारे पुराने जो घरों में रहता था, बड़े बड़े क्लॉक्स, अगर आप बहुत सारे ग्रैंडफादर क्लॉक्स एक रूम में डिफरेंट रिदम्स में जो चलता हो, आप एक रूम में बंद करके आप वेकेशन में चले जाओ, 3 महीने के बाद आइए और देखिए कि सारे क्लॉक्स एक ही रिदम में चलेंगे। ये होता है क्योंकि ये लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट, ये फिजिक्स का एक लॉ है, जो सारे जो सिंक्रनाइज हो जाते हैं, एक सिमेट्री में चलते हैं, इसको हम कोहेरेंस भी कहते हैं। चलिए आज आपको चक्रास के बारे में थोड़ा, आप जानते ही होंगे इसके बारे में, पर थोड़ा आपके रिफ्रेश करेंगे इस टॉपिक पे। चक्रास मतलब है, ये संस्कृत वर्ड है चक्रा, ये व्हील ऑफ एनर्जी, एक वॉर्टेक्स, एक चक्र मतलब एक व्हील है जो कि एनर्जी को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, एक ट्रांसपोंडर की तरह, मतलब नीचे से लेके हायर तक एक ये इसका वाइब्रेशन बढ़ते जाता है। और हर एक चक्रा बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहस्रारा ज़रूरी है या थर्ड आई ज़रूरी है, हर एक चक्रा ज़रूरी है और हर एक चक्रा का एक कलर एसॉर्टेड है। हमारा मूलाधारा जो रूट चक्रा जो फर्स्ट चक्रा होता है उसका जो कलर है वो रेड होता है, वो जो कि वो एक सर्वाइवल, एक फियर, एक ग्राउंडिंग, एक सिक्योरिटी का को सिग्निफाई करता है हम। और एक और बात भी है कि जो भी ऑर्गन्स है, रिलेटेड ऑर्गन्स है वहाँ पे, वो सभी एक ही फ्रीक्वेंसी में जुड़ जाते हैं। ओके, सेकेंड चक्रा के बारे में बात करेंगे, वो है स्वादिष्ठाना और सेक्रल चक्रा जो कि ऑरेंज कलर में होता है। उसके जो आसपास के ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सारा एक फ्रीक्वेंसी में होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। वैसे ही अगर हम थर्ड चक्रा पे आए, वो है मणिपुर, वो है सोलार प्लेक्सस जो कि येलो कलर में होता है। ये जो चक्रा है ये है कंट्रोल सेंटर, जो कि जो अपर चक्रास और जो लोअर चक्रास जो होते हैं इसको रेगुलेट करने में काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये इसमें आपका हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस, अबंडेंस का जो थिंकिंग, ये सारे जो है इसका फ्रीक्वेंसी ये रेगुलेट करता है। अभी आते हैं हम फोर्थ चक्रा, हमारे हार्ट चक्रा। यहाँ से हमारे हायर चक्रास का जो है एनर्जी या फ्रीक्वेंसी शुरू होता है। हार्ट चक्रा ग्रीन या पिंक भी हम देख सकते हैं क्रिस्टल वर्ल्ड में, और इसको अनाहता या हार्ट चक्रा कहते हैं। ये जो है लव, एक लव कॉन्शियसनेस में चलता है। यहाँ पे कंपैशन, इमोशंस, ग्रैटिट्यूड, ये सारे जो इमोशंस है इसको रेगुलेट करना, लव जो है एक वननेस कॉन्शियसनेस, यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। और उसके बाद जाते हैं हमारे फिफ्थ चक्रा, वो है विशुद्ध, जो कि होता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा जो है ब्लू कलर में होता है, और इसका जो
फंक्शन है, ये जो इसके जो ऑर्गन्स मतलब थ्रोट, हमारे शोल्डर्स या बैक ऑफ द नेक, ये सारे जो चीज़ ये रेगुलेट करता है, और ये हमारे जो कम्युनिकेशन जो होता है इसका भी बैलेंस यही थ्रोट चक्रा का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही अहम फंक्शन है। इसके बाद जाते हैं हमारे थर्ड आई जो है आग्ना चक्र, जो है पर्पल कलर में होता है क्रिस्टल्स के वर्ल्ड में, पर्पल या डार्क ब्लू इंडिगो कलर भी हम कह सकते हैं। ये जो है हमारी जो डिसर्नमेंट मतलब जो सही और गलत में ट्रूथ देखना, मतलब हमारे जो रियलिटी है ये ऐसे होता है, मतलब जो सच है सच के अंदर झूठ भी छुपा होता है। अगर हमारी ये आग्न चक्र, ये जो थर्ड आई, अगर हम इसके ये एक्टिवेट नहीं करेंगे तो हम ये सच और झूठ में फ़र्क नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ज़्यादातर बिट्रेयल ये जो होता है, क्योंकि ये हमारा चक्र ये क्लोज्ड होता है। जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो हम ये फैब्रिक ऑफ लाइफ जो होता है हमारे एक्सपीरियंस में, सच और झूठ साफ साफ दिखाई देगा। आप एक सही एक अच्छे डिसीशंस ले पाएंगे और बहुत ही सारे अपना वक्त, अपना 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 जो इन्वेस्टमेंट्स या जो भी है, आप उसको सही तरह से आप एक चैनल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेवेंथ चक्रा जो है ये है सहस्रारा या क्राउन चक्रा, जो कि हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन को ये एक्टिवेट करता है। एक सही, एक ओपन माइंडेडनेस, एक टॉलरेंस, एक वैल्यू सिस्टम्स, एक कमिटमेंट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी क्राउन चक्रा से रिलेटेड है। तो अब चक्रास, और ये चक्रास के बारे में क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर्स है, हमारे अंदर भी फ्रीक्वेंसी है, पर हमारे अंदर एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, कई सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। हमारे किडनीज के अलग फ्रीक्वेंसी है, हार्ट के अलग फ्रीक्वेंसी है, हमारी थर्ड आई की अलग फ्रीक्वेंसी है, और वैसे ही हम क्रिस्टल की तरह एक डेफिनेट प्रिसाइज पैटर्न में नहीं है, एक प्रिसिशन या एक स्टेबिलिटी में नहीं है। अगर आज देखिए एक बारिश हो गया, वेदर खराब हो गया, तुम्हारी मूड खराब हो गया, हमको कोई डांट दिया, एक दिन अच्छा नहीं गया, ट्रैफिक में हम फंस गए, तो हमारी मूड खराब हो गए। तो वैसे हमारे जो मूड्स है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये बदलता रहता है, पर क्रिस्टल जो है कभी इसकी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, हमेशा एक ही रहता है। तो ये है इसका जो प्रसिशन, यही इसके वजह से ही हम इसको एक हायर वाइब्रेशनल बीइंग कह रहे हैं। मतलब देखिए, एनर्जी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, एनर्जी सिर्फ एनर्जी होता है फिजिक्स के लॉ के हिसाब से, पर हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो नज़रिया है, वो एनर्जी को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर सडनली टेक्नोलॉजी बंद हो गया या कैमरा बंद हो गया या इधर बारिश हो गया, तो ये जो मैं एनर्जी को, शायद मैं इसको नेगेटिव तरीके से देख सकूँ, या मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट से, ठीक है अभी नेचर भी हमारे साथ है, चलिए मैं एंजॉय करूँगी, यहाँ बैठ के अगर मैंने मेडिटेशन ध्यान शुरू कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो मतलब जैसी हमारी सोच वैसी एनर्जी भी, तो हम एनर्जी, एक नया एनर्जी हम क्रिएट करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम हमारी जो एनर्जी, ये जो सोच है, ये नेगेटिव, ये जो परसेप्शंस है, नज़रिया है, इसको हम कैसे एक पॉजिटिव, एक मिराकुलस परसेप्शन या नज़रिया में कैसे बदले, उसके बारे में बात करेंगे। इसी में क्रिस्टल्स की हम सहायता या सपोर्ट एक दोस्त की तरह लेंगे। लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट मतलब ये जो हमारे फ्रीक्वेंसी है, ये जो है क्लियर क्वार्ट्ज, हमारे सहस्रारा चक्रा से रेजोनेट करता है। हर एक सिविलाइजेशन में, हर एक पीरियड के टाइम पे यही कहा गया है। तो क्या एक बात एक यहाँ पे सुन सकते, एक जगह सुन सकते, दो जगह, पर पूरी दुनिया में अगर हर एक सिविलाइजेशन एक ही बात कर रहा है तो कुछ तो है उसमें। तो वैसे ही हमारी साइंस भी आज उसी एक नॉलेज से लेके आगे बढ़ रहा है और उसमें बहुत सारा रिसर्च कर रहा है। तो देखिए,
तो वैसे ही लॉ ऑफ रेजोनेंस के वजह से अगर इसमें फ्रीक्वेंसी है, मतलब देखिए आप, ये क्रिस्टल कैसे बना, मिनरल्स के साथ बना, इसके अंदर मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं और हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। आप जानते हैं आपके थर्ड आई के अंदर ये जो पीनियल ग्लैंड होता है उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स है, ये रिसर्च, इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट ये देखा है कि हमारे पीनियल ग्लैंड के अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स है। मतलब जब हम एक क्रिस्टल हमारे आसपास, हमारे जो फील्ड होता है उसके आसपास लेके आते हैं तो ये एंट्रेनमेंट शुरू हो जाता है हमारे भीतर की जो मिनरल्स के साथ। अगर हम एक फ्रीक्वेंसी, अगर हम वो एक एक्टिवेट नहीं हुआ, वो एक डॉर्मेंट, एक ऐसे एक स्टिल स्टेट में है, तो जब हम एक क्रिस्टल लेके आएंगे तो इसके जो फ्रीक्वेंसी के वजह से हमारे जो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लगता है, इसको हम लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट या लॉ ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। तो देखिए ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये पूरा एक साइंस है। अगर आप इसमें बिलीव करते हो या नहीं करते हो, ये साइंस जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये अपना काम करते ही रहता है। पर अगर आप एक इंटेंशन, एक संकल्प, एक बिलीफ को लेकर आप इसको ट्यून करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए मैं आपको एक और साइंस का एक और हस्ती को इंट्रोड्यूस करना है, वो है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। अब मैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के बारे में बताऊंगी। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च है जो आपको एक क्रिस्प और एक इजी, एक सरल भाषा में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो कहते हैं, ये एक बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो कि एक बुक लिखा है उन्होंने, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। उसमें क्या कहते हैं, हम जो सोचते हैं कि अरे मेरे मदर को या मेरे फैमिली में हार्ट अटैक है या कैंसर है या डायबिटीज़ है तो मुझे भी आने का बहुत चांस है क्योंकि ये हेरिडिटरी है। पर वो क्या कहते हैं, आपके जो जीन्स है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फैमिली में कैंसर है या डायबिटीज़ है आपको भी आना है। आप खुद आपके बिलीफ सिस्टम के साथ आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आपके प्रकृति, आपकी नेचर, आसपास की जो नेचर है आप पे बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर आप अपनी सोच बदलेंगे, अगर आपके एनवायरनमेंट में आप सही टूल्स, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने आपको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ये जो साइंस है इसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। अभी क्रिस्टल्स कैसे यूज करेंगे, हमारे अंदर ऑर्गन्स है, करेक्ट? ऑर्गन्स के अंदर क्या है, डिफरेंट टिश्यूज है, टिश्यूज के अंदर क्या है, डिफरेंट सेल्स है, और सेल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ये जो है बहुत ही एक सीईओ ऑफ द सेल होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन लेता है और इंफॉर्मेशन देता है। जैसे उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वैसा ही वो प्रोग्राम वो एक फंक्शन करता है। मतलब मेरे हाथ ऐसे घूम रहा है, मतलब इसके अंदर, ये सेल्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि ऐसे घूमो। तो वैसा ही हमारे अंदर एक होलनेस का, एक हेल्थ का इंफॉर्मेशन होता है। जब वो इंफॉर्मेशन करप्ट या रीप्रोग्राम हो जाता है, कैसे हो जाता है, जो हम सोचते हैं या जो हम मानते हैं या जो हमारा एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, वाईफाई है, 5G है, बहुत सारे डिस्टॉर्शन है, इसके वजह से वो इंफॉर्मेशन जो है वो रीप्रोग्राम होता है। उसके वजह से हमारे अंदर इलनेसेस, मतलब डिसीजेस या मेंटल इलनेस, या चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल हो, मैनिफेस्ट होते रहते हैं। तो मतलब क्या, अगर हम ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसमिट और रिसीव होता है, अगर हम उसको, वो फिल्टर को चेंज करेंगे तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी चेंज हो सकता है।
और ये जो काम करता है वो है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स ये हमारे जो परसेप्शन फिल्टर्स होते हैं, हम कैसे देखते हैं, एक एक हमारी जो नज़रिया होती है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो नज़रिया का, उसको वो ट्रांसम्यूट करता है। अगर हम सोचेंगे ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, वो परसेप्शन फिल्टर जो है, वो जो बिलीफ है उसका कोर बिलीफ, मतलब देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप मुंबई में रहते हो तो बारिश जब होता है तो बहुत ही गंदा होता है पूरा शहर, कहीं आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत ही पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। तो वो जो एक्सपीरियंस के वजह से बारिश को लेके हम एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, मतलब बारिश हुआ तो आज दिन ख़राब हो गया। अगर हम एक हिल स्टेशन में रहे, एक अच्छा एक 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 नेचर प्लेस में रहे, बारिश भी हो कितना अच्छा लगता है। तो ये जो है हमारे एक्सपीरियंस हमारे बिलीव सिस्टम्स को क्रिएट कर रहा है। जैसे हम बिलीव करेंगे वैसा ही फिर एक्सपीरियंस भी होगा। ये है मैनिफेस्टेशन की सीक्रेट। मतलब हमेशा आप जो बिलीव करते हो, आप जो मानते हो कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं मुझसे कुछ काम नहीं होगा, मैं बहुत ओल्ड हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आता, अगर ये सारी चीज़ें अगर मैं बिलीव करूँ आज कि मुझे हिंदी नहीं आता, कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इधर बैठी हूँ, मैं क्या बात करूँगी, अगर मैं ऐसे सब सोचूंगी तो मैं कभी आज आपके साथ ये सब शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो हमारी जो एक्सपीरियंस है, हम जो क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद ही हमारे सोच के वजह से, हमारे बिलीव सिस्टम्स के वजह से हम क्रिएट करते हैं। तो ये था क्रिस्टल्स के पीछे जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस है। मतलब एक है क्रिस्टल्स एक एनर्जी है, एक एनर्जी बीइंग्स है, एक डिवाइन बीइंग्स है, और एक लॉ ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट के साथ हमारे साथ हमारे जो फील्ड के अंदर वो काम करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि क्रिस्टल्स ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल्स हमारे पास ही होना चाहिए, आसपास ही इसको छूना पड़ेगा। ये क्रिस्टल्स जो है कहीं भी हो, इसको एक टाइम एंड स्पेस की एक लिमिटेशन नहीं है। आप कहीं भी हो, आप क्रिस्टल के एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपके जो विजुलाइजेशन से। आप अगर आपके पास एक क्रिस्टल नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, बस आप आंखें बंद करके एक क्रिस्टल को आप विजुलाइज कीजिए और उसके एनर्जी को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है क्रिस्टल्स के बारे में। अब इसके साथ ठीक है, अभी क्रिस्टल आपका आप जानते हो, आप समझ गए इसका टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, पर इसके साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, पहले इसको कैसे चूज करेंगे, कौन सा क्रिस्टल है मेरे लिए या कौन सा क्रिस्टल नहीं है, एक स्टोर में जाएंगे कौन सा खरीदना है, एक बहुत ही आम क्वेश्चन है जो कि मेरे पास हमेशा आता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे एक क्रिस्टल को चूज करें या आपके लिए कौन सा सही क्रिस्टल है। देखिए क्रिस्टल चूज करने के लिए कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीका है ये, और सबसे ज़्यादा राइट होता है, करेक्ट होता है, वो है आपका जो इंट्यूशन, आपको जो सही लगता है। अगर देखिए आप एक क्रिस्टल समझ के आप एक स्टोर जा सकते हैं, आपको शायद मैंने आज कहा कि क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक मास्टर हीलर होता है, पर आप स्टोर में जाके शायद आपको कुछ और क्रिस्टल अट्रैक्ट करें, वो अट्रैक्ट करने में आपको सिर्फ एक थॉट आ सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि ये क्रिस्टल मुझे पुकार रहा है या मुझसे बात कर रहा है, या शायद आपको कोई भी क्रिस्टल पसंद ना हो तो आप आ जाइए। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टोर में हर एक क्रिस्टल आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको खुद को ही पता चलेगा, आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रिस्टल एक्सपर्ट या कोई भी नहीं, आपके दिल को आप कनेक्ट करेंगे तो आप खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए उस टाइम के लिए सही है। ये एक सबसे ज्यादा राइट तरीका है। अभी नेक्स्ट तरीका जो है कलर थेरेपी। मतलब अगर देखिए, अगर आपको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, हार्ट के रिलेटेड है, या वो एक लव के इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज या ऐसे कोई इश्यूज है, तो आप हार्ट चक्रा के रिलेटेड क्रिस्टल्स यूज करेंगे। मतलब
कोई भी पिंक कलर या ग्रीन कलर, ओके। तो आप कलर के हिसाब से आप क्रिस्टल्स चूज करें, मतलब ग्रीन क्या होता है, ग्रीन एवेंचुरीन या ग्रीन जेड, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये ग्रीन कलर के, मतलब ग्रोथ, रेजुविनेशन, एक सेल्फ लव, ये सारे क्रिस्टल्स हैं। वैसे ही पिंक कलर के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, रोज क्वार्ट्ज होते हैं, सिनेबर या मॉर्गनाइट, ये बहुत सारे जो पिंक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, या पिंक एमेथिस्ट, कई सारे हैं। इनफैक्ट आज अभी तक 4500 क्रिस्टल्स आज तक डिस्कवर किए गए और रोज नए क्रिस्टल्स डिस्कवर किए जाते हैं। तो आप, इतना सारा वैरायटी है तो कंफ्यूज होना बहुत ही नॉर्मल बात है, पर आप जब भी कंफ्यूज होंगे तो आप प्लीज़ आप ऐसा कोई डाउट या कंफ्यूजन में मत रहिए, अरे कौन सा क्रिस्टल, क्या क्रिस्टल, आपको जो भी अट्रैक्ट करे वही आपके लिए सही है और आपके पास जो आएगा वही सही है, ठीक है। दूसरा तरीका था एक चक्रा के कलर से मैच करना, और तीसरा तरीका है जो मिनरल से मैच करना। मतलब देखिए, अगर मेरे अंदर हेमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, तो जो आयरन जो होता है मिनरल, वो क्रिस्टल के साथ काम करना, मतलब जो हेमेटाइट, जैसे क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें आयरन होता है, सो आयरन जो होता है वो क्रिस्टल्स अगर आप लेके आएंगे तो रेजोनेंस, अगेन लॉ ऑफ रेजोनेंस के वजह से आपके अंदर भी वो मिनरल सही तरह का बैलेंस में आ जाता है। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं आप क्रिस्टल को चूज करने के लिए, आप कोई भी चूज कीजिए, आप अगेन आप दिल से चूज कीजिए, ऐसा नहीं है कि ये आप एक डाउट रखना, डाउट बिल्कुल नहीं, कोई भी क्रिस्टल हो आपका ही दोस्त है। देखिए, कोई भी कलर का दोस्त हो, कोई भी भाषा का दोस्त हो, दोस्त तो दोस्त होता है, तो आप कौन सा भी क्रिस्टल लेके आइए, आपके साथ डेफिनेटली आपके इंटेंशन के लिए सही ही होगा। और दूसरा जो है, अभी क्रिस्टल्स आ गया, चूज कर लिए आपने, आप कैसे उसके साथ काम करेंगे, तो क्रिस्टल्स के साथ काम करने से पहले, शुरू करने से पहले थोड़े स्टेप्स होते हैं। एक होता है पहला रीट्यूनिंग या क्लेंजिंग, ओके। रीट्यूनिंग मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसको, इसका फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप एक गिटार लेके आएंगे एक घर, तो गिटार लाने के बाद आप क्या करेंगे, पहले उसको रीट्यून करेंगे, उसका एक फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, एक एक उसको बजाने से पहले, राइट। वो गिटार किसी का भी हो, अगर आप, आपके पास लेंगे तो पहले आप उसको रीट्यून करेंगे, उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे आप लेके आएंगे। वैसे ही एग्जैक्टली हम इसको कोई क्लेंस नहीं कर रहे, ये मास्टर से इसको क्या क्लेंस करेंगे हम, या इसको क्या क्लियर करेंगे। ये एक वर्ड यूज़ किया गया है आजकल, बहुत ही कॉमन हो गया, इसको हम रीट्यून करेंगे, एक ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, अगर आप ध्यान कर रहे हो, आप अगर ग्राउंडिंग करके, ध्यान करके आप हाथ में ही रख के आप इसको आपके इंटेंशन, संकल्प के साथ आप इसको रीट्यून कर सकते हैं, पर आपका जो ऊर्जा बहुत हाई होना चाहिए इसके लिए। या सेकंड तरीका है, आप, मेरा जो फेवरेट तरीका है ये जो है सेज है, सेज एक हर्ब होता है, वाइट सेज मैं यूज़ करती हूँ, जो कैलिफोर्निया वाइट सेज होता है, पर इधर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक अगरबत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल है, कोई केमिकल ना हो, कोई परफ्यूमाइज ना हो, क्योंकि आप देखिए कोई भी रिलीजन में धुआं जो हम यूज़ करते हैं, ये हिंदुइज्म में यूज़ करते हैं, इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, हर जगह धुआं जो है बहुत ही, और इवन शामंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि धुआं जो है मल्टी डिमेंशनल होता है, वो बहुत ही, हम जो देख रहे हैं बस वही नहीं, ये कहीं सारे डिमेंशंस को, एनर्जी को सेक्रेट बनाता है, एक ट्रांसम्यूट करता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव। तो वैसे ही आप अगरबत्ती लेके उसकी धुआं से एक इंटेंशन के साथ आप उसको रीट्यून करेंगे या क्लियर करेंगे। तो इंटेंशन क्या होगा कि ये जो उसका ओरिजिनल धरती से कैसे आया, इसका जो एनर्जी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, वही पे ये वापस आ जाए, वही वो एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ जाए, आपको सपोर्ट करें। तो ये संकल्प के साथ आप इसको क्लियर करेंगे एक सेज या अगरबत्ती के साथ। तीसरा तरीका है, आप इसको सी सॉल्ट या आप इसको एक हिमालयन सॉल्ट के अंदर
रख सकते हो। आप इसको एटलीस्ट 8 घंटे से 24 आवर्स या 48 आवर्स, जैसे अगेन आपको कैसा पता चलेगा कि ये रेडी है कि नहीं, इसका एडवांस तरीके भी हैं जो कि ये आज के एपिसोड से बाहर है उसका इन्फॉर्मेशन, पर बेसिक तरीके से आप कैसे जानेंगे ये जान सकते आप, अगेन आपकी इंट्यूशन, आपको आप उसको छू के अगर आपको अच्छा लगे तो वो ठीक है। तो नॉर्मली मैं 24 आवर्स रखती हूँ इसको रीट्यून करने में, सॉल्ट में अगर रखा गया तो वैसे ही ये तीसरा तरीका, और कई सारे तरीके हैं पर आज के लिए ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। और चलिए रीट्यून हो गया, अभी ये जो क्रिस्टल अगर आपको कोई गिफ्ट दिया या आपने खरीदा या जो भी है आपने रख दिया और भूल गए, जो भी है आप काम करने से पहले इसको एक्टिवेट करने से पहले इसको रीट्यून कीजिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, ये ऑप्शनल स्टेप है, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, ये जो है इसको चार्ज करना। चार्ज कैसे कर सकते हो, आप पिरामिड एनर्जी के साथ चार्ज कर सकते हो, मतलब पिरामिड के नीचे रख के, या आप सन एनर्जी, अगर आपको थर्ड चक्रा पे आप काम कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, एक अबंडेंस एनर्जी के साथ काम करना है, तो हमको सन एनर्जी, एक पावरफुल, एक क्रिएटिव एनर्जी है सन, जो बालकनी है या आपके पैटियो है, कहीं पे भी आप वो क्रिस्टल रख के उसके ऊपर आप एक पिरामिड भी रख सकते हो, या एक क्लॉथ रख दीजिए, जैसे कि जो क्रिस्टल्स हैं एमेथिस्ट, जो डार्कर कलर क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आप सन के नीचे रखेंगे तो उसका कलर फेड हो सकता है, अगर कलर फेड हुआ तो उसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि अगर कोई डार्कर कलर क्रिस्टल है तो आप बिल्कुल सन के नीचे मत रखिए, एक विंडो के, एक शेड के नीचे रखिए, क्योंकि सन का एनर्जी को कोई रोक नहीं सकता, कोई दीवार या कुछ भी रोक नहीं सकता, वो एनर्जी आएगा बस आपके इंटेंशन के साथ। या आप मून एनर्जी, अगर आपको एक मून एनर्जी, एक फेमिनिन एनर्जीज, एक यिन और यांग का बैलेंस अगर आप चाहेंगे रिलेशनशिप्स के लिए, फेमिनिन एनर्जीज के लिए, आप मून एनर्जीज यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए मून एनर्जीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनफैक्ट मैं क्या करती हूँ, मैं एक्चुअली 24 आवर्स सन और मून दोनों का एनर्जीज के साथ मैं चार्ज करती हूँ अपने क्रिस्टल्स। और ये चार्ज करना, अगर फुल मून पे आप चार्ज करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसीलिए हमेशा जब भी फुल मून आता है तो मेरे लिए वो एक क्रिस्टल चार्जिंग का दिन हो जाता है, तो मेरे सारे जो क्रिस्टल्स हैं मैं बाहर रख देती हूँ और 24 आवर्स उन एनर्जीज के साथ मैं चार्ज करती हूँ, पर ये एक ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। तो लास्ट जब स्टेप जो होता है वो रीप्रोग्रामिंग होता है, मतलब आपको अभी आपके इंटेंशन से आप वो एनर्जी को चैनल करना है, उसको एक डायरेक्शन देना है। साइंस के हिसाब से लेफ्ट हैंड जो होता है ये रिसेप्टिव हैंड होता है। क्यों रिसेप्टिव हैंड, क्योंकि इसके जो नाड़ियाँ हैं आपके राइट ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, तो लेफ्ट हैंड जो रिसेप्टिव हैंड है इसके ऊपर आप क्रिस्टल रख के, ऐसे आपके हैंड रख के आप इसको आपके संकल्प के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको एक इंटरव्यू है या आपको एक प्रेजेंटेशन करना है या आपके एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बात आपके रिश्तों में शेयर करना है, कोई भी कुछ भी हो, तो आप अगर एक सिट्रीन का क्रिस्टल, सिट्रीन एक कॉन्फिडेंस का बूस्टिंग का क्रिस्टल है, वो क्वार्ट्ज फैमिली से ही बिलोंग करता है, अगर ये क्रिस्टल लेके आप एक इंटेंशन से आप इसको रीप्रोग्राम करेंगे, मतलब मैं ये क्रिस्टल मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो मेरा सच है, जो मेरा ऑथेंटिक ट्रूथ है वो कम्युनिकेट करने के लिए बिना डर के, ये मेरा ट्रूथ, मुझे हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, जो कोहेरेंस या बैलेंस कहाँ से आता है, आपके ऑथेंटिसिटी से आता है, मतलब आपको जो बोलना है, सोचना है, जो कर्म है वो सब अगर सिंक में है, मतलब आपका माइंड, हार्ट और इमोशंस अगर सिंक में है तो कोहेरेंस, वो ऑथेंटिसिटी होता है। जब आप ऑथेंटिक होते हैं तभी आप एक कॉन्शियस क्रिएटर, पावरफुल कॉन्शियस क्रिएटर बनते हैं, तो इसीलिए ऑथेंटिसिटी इज द न्यू करेंसी, मतलब ऑथेंटिसिटी रहना, एक इमेज बनाना, अगर ये सिचुएशन में ये कहना ये सही है, ये डिप्लोमेटिक है, अगर ये सब सोचते रहेंगे तो कभी हम ऑथेंटिक नहीं रहेंगे। तो हमेशा से एक ऑथेंटिक वाइब्रेशन में,
एक हार्ट सेंट्रिक वाइब्रेशन में रह के अपना सच एक कंपैशन के साथ कहना ही एक कॉन्शियस क्रिएटर्स एक पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो वैसे आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हो गए 3 स्टेप, रीट्यूनिंग या क्लेंजिंग, दूसरा होता है चार्जिंग, तीसरा होता है प्रोग्रामिंग। ये तीनों होने के बाद अब ये क्रिस्टल, अभी मैं ये प्रोग्रामिंग करने से पहले एक चीज़ बताती हूँ, ये एक बहुत सीक्रेट प्रोसेस होता है। पहले आप अपने आप को क्लीन की नहाना या रेडी होना, और जहाँ पे आप कर रहे हो वो प्लेस भी ज़रा आप क्लीन कीजिए फिजिकली, ज़रा सन को लेके आइए, थोड़ा थोड़ा वो माहौल बनाना है, और आप वहाँ पे वो क्लेंस करके या प्रोग्राम करके जहाँ पे आपको रखना है, अगर आपको बेडरूम में रखना हो या आपके जो लिविंग रूम में या स्टडी में कहीं पे भी रखना हो, आप आपके इंटेंशन के हिसाब से आप जगह चूज़ कीजिए और रख सकते हैं, वैसे वो एक्टिवेट हो जाता है आपका क्रिस्टल। नाउ आप एक इंटेंशन लिख के भी, मास्टर जी हीलर जो होता है इसके नीचे एक इंटेंशन लिख के भी वो रख के ये उसके ऊपर वो पेपर के ऊपर ये क्रिस्टल आप रख सकते हो, तो ऐसे भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये होता है क्रिस्टल्स के साथ कैसे काम करना है। आई होप मैंने सारे आपके क्वेश्चंस को मैंने आंसर दिया है। अगर जो भी क्वेश्चंस है आपके पास हो, क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स की दुनिया है ये बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही बड़ा दुनिया है, और इसके अंदर हम जितना सीखें उतना कम होता है, पर मैं आज आपके साथ बहुत एक्साइटेड हूँ, ये सारी जो बातें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे मौका मिला। PMC हिंदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपके साथ मिलवाने का आज एक प्लेटफॉर्म दिया है, और इसी के साथ हम आज का ये जो शो है ख़त्म करते हैं। फिर मिलती हूँ एक और नई कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, नमस्ते।